तो हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ अभी मोहाड़ी में, जहाँ पर अभी कथा होने वाली है आज 4 बजे से शाम को, और ये होने वाली है 28 मार्च से लेके थे 2 अप्रैल तक के। 1 अप्रैल तक के कथा होगी और 2 अप्रैल को होगा यज्ञ और महाप्रसाद, भव्य महाप्रसाद। वैसे खाना तो रोज ही यहाँ पे शुरू है और इस तरीके से आयोजन किया गया है। अभी यहाँ पे ऊपर पंखे नहीं लगे थे तो यहाँ पे कूलर की व्यवस्था की गई है, एकदम चिल रहने वाला है। वैसे आसपास यहाँ पे खुला वातावरण है, खेत है, रबी की फसल है, तो उसकी वजह से वातावरण जो है यहाँ पे ठंडा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कूलर की व्यवस्था की गई है। एक बड़ा पंडाल है, बाकी साइड से, दोनों साइड से इस तरीके से बनाए जा रहे हैं दूसरे रो, जिसमें और भी बैठ सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल ज़्यादा लोग आए नहीं है यहाँ पे, लोग अभी यहाँ पे पहुँच रहे क्योंकि कथा 4 बजे की है ना, इसके लिए अभी यहाँ पे पहुँच रहे। तो खाने पीने की व्यवस्था पूरी है, पार्किंग की व्यवस्था खेतों में की गई है और वॉशरूम वगैरह भी है यहाँ पे, मेडिकल कैंप भी दिया हुआ है साथ में। यहाँ पर एयरटेल की अगर आपकी सिम है तो आपको नेटवर्क के कोई इशू नहीं, क्योंकि एयरटेल का नेटवर्क ही यहाँ पे बाजू में खड़ा कर दिया गया है, एकदम पास में दिखाता हूँ। कूलर बहुत सारे लाए जा रहे हैं इधर, सभी के लिए कूलर रहने वाले हैं, जिनके पास पास है वो भी, और जो जिनके पास पास नहीं उनके पास भी कूलर की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे कूलर है। और ये जो टावर देख रहे हो ना यहाँ पे ठीक मेरे सामने में, यहाँ पे अभी इस प्रोग्राम के लिए एयरटेल का टावर तुरंत खड़ा किया गया है, एयरटेल का नेटवर्क पूरा फुल रहने वाला है, और नेट तो ऐसा धुआंधार चल रहा है भाई, फुल स्पीड में दौड़ रहा है नेट। तो अभी भी बहुत लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, देख सकते हो कि अभी भी पंडाल खाली है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हमें जगह मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, तो भाई ऐसा नहीं है, सबको जगह मिलेंगी, बहुत जगह खाली है, टेंशन ना ले, ज़रूर आए। इधर में देख सकता हूँ हवन के लिए बनाया गया है, इधर मेडिकल कैंप रहने वाला है और इसके पीछे में खाना है और उसके बाजू में ही शौचालय वगैरह दिया गया और उसके बाद में खेतों में पार्किंग दी गई है। ये हमारे साधु संतों के लिए स्टेज बनाया गया है और बाकी इधर में पूरा स्टेज देख सकते हो कितना सुंदर डेकोरेट किया गया है, और ये रात को ही रेडी हो गया है पूरा, और थोड़ा टेक्निकली जो वायरिंग वगैरह का काम है वो अभी यहाँ पे चालू है, सभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लगाने का, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये यहाँ पे पहली बार ऐसी कथा होने जा रही है, अभी तक के यहाँ पे कभी ऐसी इतनी बड़ी कथा नहीं हुई थी इस मोहाड़ी गांव में। छोटा गांव है ये, कोई बड़ा नहीं है, इतना बड़ा आयोजन करना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन ये है बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगा है। तो ज़रूर पधारिए, आप सभी के लिए ही ये इंतज़ाम किया गया है। और एक गाइस एक चीज़ बताओ, गांव तरफ ना बहुत लोगों ने इतना बड़ा पंडाल आज तक नहीं देखा, तो वो लोग यही सोच रहे कि इतने बड़े पंडाल को बनाने में कितने दिन लगे होंगे और इसे बनाया कैसे गया होगा। इधर महाराज जी के लिए एसी का इंतज़ाम किया गया है, यहाँ से एसी अंदर रहेंगे, कूल रहेगा स्टेज के तरफ में। और इधर में हवन का रखा गया है और उधर में प्रभु श्री राम जी के कुर्ते वगैरह मिलेंगे और किसी को लेना है तो। और इधर में पूरा इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर लगे है और इधर में लंगर प्रसाद है। तो गाइस ये इधर का है कथा पंडा, ये कथा पंडा बोल रहा हूँ सॉरी, ये है लंगर सेवा का, और इधर में जो है लंगर बन रहा है, और इधर में पास ठीक अपोजिट में जो एड्रेस है ना मोहाड़ी करके है, और अपोजिट में मोहाड़ी का जो बस स्टैंड है उसके अपोजिट में ही ये पूरा कथा का आयोजन किया गया है। गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सभी लोगों को शेयर करो जिन लोगों को यहाँ पर आना चाहते हैं, ताकि उनको इसका एड्रेस और परफेक्ट लोकेशन पता चल सके, तो वो लोगों को ईजी हो जाएगा यहाँ पर आना। और लाइक करो, शेयर करो, और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सपोर्ट करो गाइज। और मेरा मेन चैनल है नागपुर एक्सपीरियंस, आप उस पर भी विजिट कर सकते हो, उस पर रेगुलर वीडियोज़ आते रहते हैं। ठीक है गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी तो यहाँ की वीडियो आते रहेंगे, मैं यहीं पर हूँ कथा में 2 तारीख तक।